और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के बहराइच जिले में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए जिले के महसी तहसील के अंतर्गत ग्राम चिलौटा के रामघाट पर बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों से संबंधित मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बहराइच जिले की 4 तहसील हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है, जिनमें से ज्यादा महसी तहसील के दर्जनों गाँव बाढ़ में आ जाते हैं, जिसके साथ ही जिले की नानापारा तहसील, मिहिपुरवा तहसील और कैंसरगंज की तहसील भी शामिल है। हर साल इन क्षेत्रों में बाढ़ जमकर अपना कहर बरपाती है। दरअसल नेपाल की तरफ से नदियों से आने वाले पहाड़ी पानी बहराइच नदी की गेरुआ नदी से होकर जिले के बैराजों पर रोका जाता है, जिसके बाद जब ये पानी छोड़ा जाता है तो जिले की इन 4 तहसीलों में बाढ़ अपना कहर ढाती है, जिससे हजारों की आबादी और किसानों की फसल प्रभावित होती है। वहीं इस नुकसान से बचने के लिए बहराइच जिला प्रशासन ने इस बार पहले से ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी बहराइच ने पूरी तैयारी का जायजा लिया और बाढ़ की आपदा से बचाव के लिए ग्रामीणों को जरूरी जानकारियां दी। विराट 24 न्यूज के लिए बहराइच से शहनवाज खान की रिपोर्ट। और आपदा मित्रों ने अपना मॉक ड्रिल किया है और ये बताया है कि किस ढंग से अगर कोई नदी में डूब रहा है तो उसको हम किस ढंग से बचा करके राहत शिविर में या इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाएंगे। ये मॉक ड्रिल एक प्रदर्शन है, एक्चुअल में जब बाढ़ आएगी और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो संयोग से हमारे यहाँ NDRF की टीम भी कैंप करती है, वो लोग बचाव करते हैं। लेकिन जब तक कोई PAC कोई SSB की टीम या NDRF की टीम आती है, उसके पहले जनता स्वयं किस ढंग से बचाव करे उसका भी प्रदर्शन किया गया है। किस ढंग से जो है बिस्लेरी की बोतलें लगा करके, किस ढंग से जो है वो गैलन अपने शरीर से लगा करके अब हम अपने को बचाव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल रही है और इससे हम सभी को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और अधिकारियों कर्मचारियों को भी ये भाव पैदा हुआ है कि हम किस ढंग से आपदा और बाढ़ के समय में लोगों को सहायता पहुंचाएंगे। धन्यवाद।